हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके लिए ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी लेकर आई हूँ, जो इस टाइम जिनका असेंशन चल रहा है और कुछ डीएम डीएफ जिनका अभी परमानेंट यूनियन के करीब है, तो उनका असेंशन चल रहे होंगे। तो दोनों में फ़र्क है, लेकिन दोनों अपने अकॉर्डिंग देखेगा किसके साथ क्या चल रहा है, और ये सिनेरियो जिनके साथ भी है वो अपने अकॉर्डिंग अपना डिमेंशन और ये क्लियर कर लें किनके साथ क्या क्या चल रहा है। जिनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है तो उन लोगों के साथ ट्रिगरिंग फेस ऑफ सिस्टम चल रहा होगा, वो डार्क नाइट ऑफ द सोल जैसा फेस सिस्टम फील कर रहे होंगे, जो कभी डीएफ ने फील किया हुआ था। उनके पार्टनर इस टाइम वो सब एनर्जी को फील कर रहे हैं, उनके साथ ये सब ट्रिगरिंग फेस चल रहा है। कहीं ना कहीं चारों तरफ से उनको तूफान सा आया हुआ है उनकी लाइफ में, उन्हें नहीं पता लग पा रहा कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि उनको हर तरफ से ट्रिगर मिला है, फैमिली फ्रेंड्स डीएफ ने खुद भी ट्रिगर किया हो, और सब जगह से उनको ट्रिगर मिल ही रहे हों, अभी तक ही मिल रहे हों। वो बहुत ही पेन में है, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है, उन्हें कुछ नहीं समझ आ रहा क्या किया जाए, किसके पास जाया जाए, क्योंकि इस टाइम उनको हर एक पर्सन में कुछ भी सही नहीं लगता। हर एक पर्सन को इस टाइम वो यही सोचते हैं कि टॉक्सिक रिलेशनशिप है, हर एक उनको ट्रिगर करके उनके जो इशू बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है। बदल रहे हैं, अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी उनको ट्रांसफॉर्मेशन टाइम चल रहा है। और जो दूसरे टाइप की एनर्जी है वो परमानेंट यूनियन वालों की होगा, जिनका ट्रांसफॉर्म्यूट हुआ है, वो ट्रांसम्यूट हो रहे हैं हमेशा के लिए, ताकि जो उनके बिलीफ सिस्टम थे या कुछ भी था वो चेंज हो रहे हैं। चेंज होके ये आप लोगों के लिए परमानेंट यूनियन के साइन है। ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसम्यूट में फ़र्क है, ट्रांसम्यूट हमेशा के लिए होता है, ट्रांसफॉर्मेशन अभी पीरियड चलता है, ठीक है, चल रहा है या चल रहा होगा। और ट्रांसफॉर्म्यूट हमेशा के लिए बंदा चेंज होके आपकी लाइफ में परमानेंट यूनियन की तरफ बढ़ते हैं, तो वो लोग ट्रांसम्यूट हो जाएंगे हमेशा के लिए। उनके अंदर जितने भी ट्रेड से डीएनए एक्टिवेशन उनका हो चुका है, वो क्लियरिटी उनको मिल चुकी है, बस वो आपकी तरफ बहुत नाइन एंड पोर्टल होता है, आपकी तरफ आपको ऑफर देते हुए नज़र आएंगे। आपके डीएम या डीएफ जो भी आप सिनेरियो देखिए, अपने हिसाब से देखिएगा कौन सी एनर्जी में है। और जो लोग ट्रांसफॉर्मेशन, उनको थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है उनको यूनियन भी हो जाए, लेकिन उनको फिर भी टाइम लगेगा। लेकिन जो ट्रांसमिट हो चुके हैं उनको परमानेंट यूनियन की तरफ वो बढ़ेंगे और पर्पस की तरफ ध्यान देंगे। और हो सकता है जिनका असेंशन पीरियड चल रहा है तो आइस में उनको ब्लर दिख रहा होगा, और उनके पूरी बॉडी पेन हो सकती है, लोअर हायर सब जगह उनके पेन हो सकती है, हेडेक बहुत हो सकता है, और उनके मुंह में छाले हो सकते हैं, इचिंग हो सकती है, उनको कहीं पे भी इचिंग फील हो रही होगी, कान में भी, आईज में भी हैवीनेस फील हो रही होगी। दो तीन दिन से ऐसे लग रहा होगा आंखें बहुत भारी हैं, सोने की कोशिश करते हैं सो नहीं पा रहे होंगे, ऐसा उनका पीरियड हो सकता है, क्योंकि कुंडलिंग अवेकनिंग का प्रोसेस होता है आसपास जब उनका परमानेंट यूनियन होने वाला होता है। तो ये अपने अकॉर्डिंग देखिए किनके साथ क्या हो रहा है। और हो सकता है कि आपके डीएम अभी साइलेंट मोड पे जा सकते हैं, दोनों वे में जा सकते हैं, क्योंकि एक ऑब्जर्व कर रहा है और एक अभी असेंशन पीरियड से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल उनकी बॉडी पे, फिजिकल बॉडी पे उनको असर दिखने को मिल सकता है, तो इसीलिए वो कहीं ना कहीं भी जिस को फेस कर रहे होंगे। और जो उनका ट्रांसफॉर्मेशन टाइम है वो कर्मा डील कर रहे हैं, जैसे ही वो फ्री होंगे तो आपकी तरफ बढ़ेंगे, और जिनका असेंशन से फ्री होंगे वो भी आपकी तरफ परमानेंट यूनियन की तरफ बढ़ के आपको ऑफर देते हुए नजर आएंगे। तो ये नाइन एंड पोर्टल है, यहाँ पे डीएनए एक्टिवेशन जो भी रेस डीएनए के थ्रू आपके पास पहुँचेंगे, आपके ट्रेस जो भी इशू कुछ भी आपके अंदर अभी भी फिलहाल होंगे वो सब उनके ऊपर अटैक करेंगे, आपके अंदर से इशू निकाले जाएंगे, आपको एक ग्रोथ दी जाएगी, अबंडेंस मिलेगी, आपकी हर एक विशफुलमेंट पूरी होगी, क्योंकि नाइन का मतलब ही विशफुलमेंट होती है, और नाइन एंड सिक्स पूरा अगर मैं पोर्टल देखूँ तो इसका मतलब परमानेंट यूनियन ही होता है। तो कहीं ना कहीं अगर इनको पूरा प्लस कर दिया जाए तो सिक्स सिनेरियो बनता है, जिसका मतलब होता है कि आप बैलेंस हो गए हो, तो इसका मतलब परमानेंट यूनियन ही होता है। तो
अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और हर जो भी सिचुएशन है उसको डील करते हुए, हील करते हुए आगे बढ़िए। पर्पस पर ध्यान दीजिए, पॉजिटिव थॉट्स रखने की ज़रूरत है, अपने इनर वॉइस को सुनिए, टेलीपैथी मैसेज करिए अगर कोई प्रॉब्लम है आपस में इंटरनली। अभी फिलहाल स्पेस दे दिए क्योंकि अभी जो डीएम की कंडीशन है वो बहुत सैड है, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में है, ऑब्जर्व कर रहे हैं हर चीज़ को, तो उनको सपोर्ट भी कीजिए इंटरनली। कोई गलत नहीं करना, कोई ब्लेम नहीं करना है, पॉजिटिव थॉट्स सोचते हुए उनको ब्लेसिंग दीजिए, और आपके कुछ एंजल्स नंबर दिख रहे हैं उनको डिकोड कीजिए, ड्रीम को डिकोड कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो सिनेरियो है जिस भी फॉर्म में है आपके डीएम या आप उनके, वो आपको सिग्नल दे रहे होंगे। इस टाइम बहुत ज़रूरी है उन पर गौर देने की, कि चाहे आप सेपरेशन में हो, चाहे कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं मैसेज दिया जा रहा होगा। और इस टाइम ये बहुत ही जो G99 पोर्टल है, ये फाइनल पोर्टल है जिसे मैं कह सकती हूँ कि परमानेंट यूनियन वालों के लिए जिनका होने वाला है। इसके बाद 996 के बाद ये बहुत लेट आने वाला है, आई थिंक 2000 बहुत लेट होगा, अभी तो मैं इसका कैलकुलेशन नहीं कर सकती, लेकिन मैं कभी होगा तो ज़रूर बताऊंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है 99 पोर्टल इस पूरे साल का सबसे स्पेशल पोर्टल है, यहाँ कंप्लीशन हो जाएगा। इसीलिए जिनका परमानेंट यूनियन होना है वो तो यहीं पे होगा, जिनका अभी टाइम लगेगा वो ट्रांसफॉर्मेशन टाइम में चल रहे होंगे। तो अभी हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए, हर चीज़ को समझते हुए पॉजिटिव थॉट्स रखनी है। तो आप सबके लिए गाइडेंस है, और चक्रा करते रहें, मेडिटेशन करते रहें, डीएनए एक्टिवेशन बढ़ा दो, जिन्होंने नहीं किया अभी हफ्ते का टाइम है, मैनिफेस्ट करना, हर चीज़ को मैनिफेस्ट करो जो भी आप चाहते हो, क्योंकि विशफुलमेंट वाला मंथ है, तो आप विशफुलमेंट के लिए मैनिफेस्ट करो जो भी आपको मनी के रिगार्डिंग हो, जो भी आपकी विशफुलमेंट हो। इस टाइम आप चाहते हो ग्रोथ करना चाहते हो, किसी भी जॉब कैरियर जो एजुकेशन जिसमें भी करना चाहते हो मैनिफेस्ट बढ़ा दीजिए। हफ्ता भी ये टाइम है, और 9 से 18 तक के बीच में मेजर